हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7, जो हमने चैप्टर नंबर 7 पहले पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको यूज़ ऑफ इज, इसी तरह से आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एम। इसका नियम है एम का अर्थ हिंदी अर्थ होता है हूँ। एम को हिंदी में कहते हैं हूँ। एम का प्रयोग आई के साथ, केवल आई के साथ सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं को हम क्या कहेंगे, आई। हूँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा एम, एक को ए, शिक्षक यानी टीचर है, ठीक है। सेकंड है आई डॉट डॉट प्लेयर, तो आई लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एम। क्या भरना है, अगर यहाँ पर आ जाए इज एम आर, तो हमें यहाँ पर क्या भरना है, एम। फिर थर्ड है आई डॉट डॉट डॉक्टर, मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, तो आई लिखा हुआ है तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। फोर्थ है यू डॉट डॉट अम्पायर, देखिए अब ये यू है तो यू के साथ हम एम नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा एम का नियम नहीं है। इसी तरह से होमवर्क में आपको करना है राइट एंड लर्न द यूज़ ऑफ इज एंड एम, आपको यूज़ ऑफ इज भी रिपीट करना है और एम भी। थैंक यू।